8 और 9 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेक्शन सेंटर में 2 दिवसीय द इंटरनेशनल सोया कॉन्क्लेव का 5वां संस्करण का आयोजन किया गया। आईएससी एकमात्र राष्ट्रीय कार्यक्रम है जहां तिलहन विशेष रूप से सोयाबीन प्रोसेसर और खाद्य तेल क्षेत्र के अन्य हितधारक नेटवर्क के लिए एक साथ मिलते हैं, जानकारी और ज्ञान को साझा करते हैं और उन नीतियों पर चर्चा करते हैं जो इस उद्योग के लिए फायदेमंद होता है। सोया कॉन्क्लेव भारत केंद्रित है, यानी ये आयात पर निर्भर उद्योग के बजाय स्थानीय उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित है। नेटवर्किंग के अलावा सोया कॉन्क्लेव व्यापार और उद्योग को अपने समकक्षों के साथ बातचीत करने और मौके पर वास्तविक व्यापार समाप्त करने का अवसर प्रदान करता है। सोया वैल्यू चेन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वर्चुअली शामिल हुए। नितिन गडकरी ने इस अवसर पर कहा कि ज्यादा बारिश के चलते सोयाबीन की फसलें ज्यादातर खराब हो गई हैं। उसके लिए कुछ और समाधान ढूंढने होंगे। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इंटरनेशनल सोया कॉन्क्लेव के निमित्त सोयाबीन से लेकर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है इसके आधार पर काफ़ी अच्छी चर्चा इस कार्यक्रम में होगी और इस कॉन्क्लेव से हमारे देश को नई विजन मिलेगी। फिलहाल हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत बनाना और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना ये उद्दिष्ट प्रधानमंत्री जी ने हम सब के सामने रखा हुआ है और इसी उद्दिष्ट के अनुरूप हमें इम्पोर्ट को कम करना होगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा और एग्रीकल्चर रूरल ट्राइबल फॉरेस्ट एरिया में उनकी जो हमारी 65% पॉपुलेशन है उनकी ग्रोथ रेट को बढ़ाना होगा। हमारे जीडीपी ग्रोथ में एग्रीकल्चर रूरल ट्राइबल और फॉरेस्ट में जो जनसंख्या है उनका कंट्रीब्यूशन बहुत निग्लिजिबल है। हमारे देश की 65% पॉपुलेशन कृषि से संबंधित है, ग्रामीण इंडिया में रहती है, जिनका जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन केवल 12% है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से 22-24% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में होता है और 52-54% सर्विस सेक्टर से आता है, जबकि इसके ऊपर डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंसी की पॉपुलेशन जो है वो कम से कम 65 करोड़ है और इसलिए 65% है और ये 65% पॉपुलेशन के विकास के लिए हमें विशेष रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। इसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण है कि खेती में विकास करने के लिए सिंचाई को बढ़ाना होगा, पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। नदी जोड़ प्रकल्प हो, वाटर कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट हो, मैं अक्सर बात दोहराता हूँ कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में, तो वाटर कंजर्वेशन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इससे इरिगेशन बढ़ेगा। हमारे देश की 60% जमीन जब पानी के नीचे आएगी तो हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 22 के ऊपर जाएगा और जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का संभावनाएं बहुत होगी। प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और अभी तो हम ग्रीन हाइड्रोजन और बायो इथेनॉल भी कृषि क्षेत्र में बनाने की प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश में 17 लाख करोड़ रुपए का इम्पोर्ट फॉसिल फ्यूल का है, उसके बजाय हमारे देश का किसान अन्नदाता जैसे बने तैसे ऊर्जादाता बने, ये हमारी कोशिश है और इन सब प्रयासों में सोयाबीन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मध्य प्रदेश का पार्ट, अब महाराष्ट्र का काफ़ी पार्ट बड़े प्रमाण पर सोयाबीन लगता है, पर हमारी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि सोयाबीन की प्रोडक्टिविटी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। अमेरिका में 1 एकड़ में 30 क्विंटल सोयाबीन होता है, अर्जेंटीना में करीब 28 क्विंटल होता है और ब्राज़ील में 26 क्विंटल होता है और हमारे देश में 5 क्विंटल होता है। स्वाभाविक रूप से ये जो कमी है इसके कारण हमारे देश के किसान सोयाबीन में इस बार बरसात ज़्यादा आई और बरसात ज़्यादा आने के कारण मेरे खुद के घर में जो सोयाबीन है वो सड़ गया है। तो आज बहुत बड़ी समस्या है कि आज सोयाबीन की जो नस्ल्स है उसके ऊपर जो संशोधन करके जो ज़्यादा पानी में भी क्यों ना हो, जिसकी उत्पादकता अच्छी हो, इस प्रकार के लिए काफ़ी रिसर्च करने की आवश्यकता है। अगर हमारे देश में ही
सोयाबीन तैयार होगा, हमारे देश में सरसों तैयार होगी, हमारे देश में मूंगफली तैयार होगी, हमारे देश में जवस तैयार होगा, तेलबिया तैयार होगी, तो मेरा विश्वास है कि हमारे देश के सॉल्वेंट प्लांट भी अच्छे चल पाएंगे। आजकल काफ़ी लोग कच्चे घाणी के तेल के रूप में तेल भी लोगों को दे रहे हैं, लोगों में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे अनेक प्रकार से मुझे लगता है ये बातें करके हम लोग काफ़ी संशोधन भी कर रहे हैं। विशेष रूप से सोयाबीन के प्लांट में तेल निकलने के बाद काफ़ी कुछ संशोधन हुआ है, रिसर्च हुआ है, वैल्यू एडिशन हुआ है, और उसमें भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर चेंजेस आ रहे हैं जिससे नई इंडस्ट्री खड़ी हो रही है। ये इंडस्ट्री अच्छी है पर इसका बेस है किसान सोयाबीन लगाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इंडस्ट्री सक्सेसफुल होगी, और अगर सक्सेसफुल नहीं होगी तो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, एक तरफ किसानों को समृद्धता संपन्नता मिलेगी और दूसरी ओर इंडस्ट्री के कारण नए रोजगार भी निर्माण होंगे और एक्सपोर्ट के कारण देश के लिए वेल्थ भी क्रिएट होगी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये तेल बिया के क्षेत्र में इम्पोर्ट को कम करना और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने के लिए हम पूरी तरह तेल में, खाद्य तेलों में हम स्वयं पूर्ण बने, यही हमारी सबसे बड़ी विजन है और सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। जीएम सीड को लेकर थोड़ी दिक्कतें हैं पर बाकी बातों को इसको छोड़कर भी उसमें काफ़ी कुछ ऐसे रिसर्च है कि जिसका उपयोग करके यह नया रिवोल्यूशन आप सबके मदद से होगा, जो विन विन सिचुएशन सभी स्टेक होल्डर के लिए फायदेमंद होगा। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना और शुभेच्छाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।